गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो क्लास है उनमें आज हमारा टॉपिक है कॉल नंबर या क्रामक अंक, या क्रामक अंक क्या है, ठीक है। उसके अलावा क्रामक अंक के कितने भाग होते हैं, क्रामक अंक को लिखने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, उसके अलावा बुक नंबर क्या होता है, क्लास नंबर क्या होता है, कलेक्शन नंबर क्या होता है, इन सबके बारे में इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, हमें यह पता होना चाहिए कि क्रामक अंक क्या है, क्रामक अंक या कॉल नंबर क्या है। तो क्रामक अंक या कॉल नंबर क्या है, अगर इसकी हम एक परिभाषा की बात करें तो क्रामक अंक या कॉल नंबर क्या है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्रामक अंक क्या है। तो ये क्रामक अंक क्या है, कॉल नंबर क्या है, कि पुस्तक की एक पहचान संख्या है, ठीक है। क्रामक अंक या कॉल नंबर पुस्तक की एक पहचान संख्या है। ये क्या है कि पुस्तकालय में जितनी भी हमारी पुस्तकें होती है उन पुस्तकों को प्रदान की जाने वाली पहचान संख्या है, जिसके आधार पर हम हमारी लाइब्रेरी में जो भी बुक्स है उन बुक्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं, आसानी से उन पुस्तकों को खोज सकते हैं। यानी पुस्तकों को प्रदान की जाने वाली पहचान संख्या है क्रामक अंक, और इस क्रामक अंक की सहायता से हमारी लाइब्रेरीज में जो भी बुक्स है उन बुक्स को हम आसानी से खोज सकते हैं कि कौन सी पुस्तक और किस रेक में कहां रखी हुई है। यानी हमारी पुस्तकों को प्रदान की जाने वाली पहचान संख्या है। अब हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्रमांक संख्या क्या है, क्रमांक संख्या इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्रमांक संख्या क्या है, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य, ठीक है, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य तथा पुस्तकालय सूची में एक प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टि के बीच सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को हम क्रमांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, आपके जो क्वेश्चन अगर आएगा तो क्रमांक संख्या की परिभाषा जो ऐसा रंगनाथन के द्वारा दी गई है, रंगनाथन ने ऐसा रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय की जो क्रमांक अंक है उसकी परिभाषा रंगनाथन ने दी है कि क्रमांक अंक पुस्तकालय को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या, उन्होंने ये कहा है। उसके अलावा इसकी परिभाषा जो उन्होंने दी है वो कि पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के बीच और पुस्तकालय सूची में एक प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टियों के बीच सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या को क्रमांक संख्या कॉल नंबर कहा जाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो क्रमांक अंक क्या है, क्रमांक अंक क्या है, तो क्रमांक अंक पुस्तकालय में पुस्तकालय में एक प्रलेख से दूसरे प्रलेख के बीच या हम ये कह सकते हैं पुस्तकालय में एक प्रलेख से अन्य प्रलेखों के बीच तथा सूची में एक प्रविष्टि तथा सूची में एक प्रविष्टि से अन्य प्रविष्टियों के बीच, ठीक है, पुस्तकालय में एक प्रलेख के अन्य प्रलेखों के बीच तथा सूची में एक प्रविष्टि के अन्य प्रविष्टियों के बीच सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या को क्रामक अंक
क्रामक, क्रामक अंक, क्रामक, क्रामक अंक, क्रामक अंक या कॉल नंबर, कॉल नंबर, कॉल नंबर कहा जाता है। ये आपके कॉल नंबर की परिभाषा हो गई। पुस्तकालय में एक प्रलेख के अन्य प्रलेखों के बीच तथा सूची में एक प्रविष्टि से अन्य प्रविष्टियों के बीच में एक सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या को क्रामक संख्या कॉल नंबर कहा जाता है। कॉल नंबर की यह परिभाषा डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी गई, ठीक है। ये जो परिभाषा थी वो किसने दी है, तो एस आर रंगनाथन, ठीक है। यह परिभाषा, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, आपको यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो एस आर रंगनाथन। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा यह दी गई परिभाषा है, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन, ठीक है, एस आर रंगनाथन के द्वारा दी गई। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सूची की जो परिभाषा दी है वो ये परिभाषा दी है कि क्रमांक संख्या की, क्रमांक संख्या की डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा है ये, ठीक है। रंगनाथन के द्वारा, एस आर रंगनाथन के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो है, यानी कॉल नंबर की रंगनाथन ने परिभाषा दी है कि पुस्तकालय में एक प्रलेख के अन्य प्रलेखों के बीच तथा सूची में एक प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टियों के बीच सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाली संख्या को क्रमांक संख्या कहा जाता है। अब आपके ये क्वेश्चन आया कि क्रमांक संख्या कॉल नंबर के कितने भाग होते हैं, तो क्रमांक संख्या कॉल नंबर के तीन भाग होते हैं। एक तो होता है हमारा सबसे पहले क्लास नंबर, फिर बुक नंबर, फिर कलेक्शन नंबर, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा कॉल नंबर, ठीक है। तो ये क्रमांक संख्या या कॉल नंबर, कॉल नंबर, कॉल नंबर, कॉल नंबर के भाग, कॉल नंबर के भाग, देख कि भाग की हम चर्चा करें तो कॉल नंबर के तीन भाग होते हैं, ठीक है। कॉल नंबर, कॉल नंबर के तीन भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। एक तो होता है हमारा, इसके तीन भाग होते हैं, क्रमांक संख्या कॉल नंबर तीन से मिलकर बनाता है। एक तो हमारा होता है क्लास नंबर, ठीक है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, इन तीनों से मिलकर हमारा कॉल नंबर बनता है। तो एक तो होता है क्लास नंबर, एक तो होता है हमारा क्लास नंबर, एक तो आपका हो गया क्लास नंबर, ठीक है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर, दूसरा होता है हमारा बुक नंबर, सेकंड होता है हमारा बुक नंबर, सेकंड होता है हमारा बुक नंबर, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है कलेक्शन नंबर, ठीक है। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है हमारा कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर, तीसरा जो होता है वो हमारा होता है कलेक्शन नंबर, तीसरा होता है हमारा कलेक्शन नंबर, यानी ये हो गया तीसरा हमारा कलेक्शन नंबर, ठीक है। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है कलेक्शन नंबर, ठीक है। ये होते हैं हमारे तीन। हिंदी में की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है वर्गांक, हिंदी में इसे कहते हैं वर्गांक प्लस, ये जो होता है हमारा, ये अगर हिंदी की बात करें तो वर्गांक प्लस ग्रंथांक, 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 ठीक है, और ये होता है हमारा संग्रहांक, संग्रहांक, ठीक है। यानी क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर, ठीक है,
क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, इन तीनों से मिलकर यानी ग्रंथ वर्गांश ग्रंथांक और संग्रांक इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा क्रमांक अंक। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारा बनता है क्रमांक अंक, इन तीनों से मिलकर हमारा ये क्रमांक अंक बन जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा, देखो एक बार में थोड़ा सा अब आगे हम इसमें चर्चा करते हैं कि क्रमांक अंक की डेफिनेशन और मतलब ये आगे कि यानी वर्गांक ग्रंथांक और संग्रहांक क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे हम देखो चर्चा करते हैं कि आपके जो क्रमांक अंक है या कॉल नंबर है उस कॉल नंबर को लिखने के लिए कितनी और कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। अगर हम विधियों के बारे में चर्चा करें यानी क्रमांक अंक को लिखने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो विधियों के बारे में देखो यानी कॉल नंबर के लिए, कॉल नंबर लिखने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, किन विधियों का प्रयोग किया जाता है जब हम क्रमांक संख्या कॉल नंबर को लिखते हैं, तो क्रमांक संख्या कॉल नंबर को लिखने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, क्रमांक संख्या को लिखने के लिए दो तरह की विधि काम में लेते हैं, एक तो आपके है समरेखा विधि, एक तो आपके समरेखा विधि है, यानी हम क्रमांक संख्या को जब यूज करते हैं इसे लिखते हैं तो दो विधियां काम में लेते हैं, एक तो समरेखा विधि और दूसरी है आपकी ऊर्ध्वरेखा विधि, ऊर्ध्वरेखा विधि, यानी क्रमांक संख्या को लिखने के लिए हम दो विधियों का उपयोग करते हैं, एक तो है समरेखा विधि एक ऊर्ध्वरेखा विधि। अब ये समरेखा विधि क्या है कि समरेखा विधि के अनुसार जब हम क्रमांक संख्या को लिखते हैं तो क्रमांक संख्या को लिखते समय क्रमांक संख्या के जो भी भाग हैं, जैसे हमारे वर्गांक है और ग्रंथांक है और संग्रांक है, इन तीनों को जब हम लिखते हैं तो इन तीनों को लिखते समय इनके मध्य सिर्फ बराबर बिल्कुल बराबर का स्थान रिक्त करना चाहिए, बिल्कुल बराबर का स्थान छोड़ना चाहिए। तो समरेखा विधि में क्या है कि जब भी हम क्रमांक संख्या को लिखते हैं तो वर्गांक ग्रंथांक और संग्राहक के बीच बराबर रिक्त स्थान छोड़ते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वरेखा विधि। ऊर्ध्वरेखा विधि में क्या है कि जब भी हम क्रमांक संख्या को लिखते हैं तो क्रमांक संख्या को ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बराबर लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। जैसे ऊर्ध्वरेखा विधि में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा क्लास नंबर, फिर उसके नीचे बुक नंबर, फिर हमारा कलेक्शन नंबर, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि क्रमांक संख्या की डेफिनेशन हो गई। किसके द्वारा दी गई थी डेफिनेशन, ऐसा रंगनाथन, क्रमांक संख्या कॉल नंबर के, क्रमांक संख्या कॉल नंबर के कितने भाग होते हैं, तो क्रमांक संख्या के तीन भाग होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, और कॉल नंबर या क्रमांक अंक के कौन कौन सी लिखने की कौन कौन सी विधिया है, तो दो विधिया है, समरेखा विधि और ऊर्ध्वरेखा विधि। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि ये वर्गांक यानी वर्गांक के क्लास नंबर क्या है। तो वर्गांक के क्लास नंबर क्या है कि किसी प्रलेख की क्रमांक संख्या का वह भाग जिसके द्वारा किसी विशिष्ट विषय को सूचित किया जाए, विशिष्ट विषय का प्रतिनिधित्व किया जाए, वो होता है हमारा वर्गांक के क्लास नंबर। अब मैं आगे इन तीनों की डेफिनेशन बता रहा हूं, आप अपने जब नोट्स तैयार करो तो डेफिनेशन उसी हिसाब से लिख लेना, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपके जो वर्गांक ग्रंथांक और संग्रांक की अगर परिभाषा की बात करें, सबसे पहले है वर्गांक। वर्गांक के क्लास नंबर की परिभाषा क्या है कि किसी प्रलेख की क्रमांक संख्या का वह भाग, ठीक है, किसी प्रलेख की क्रमांक संख्या का वह भाग जो किसी विशिष्ट विषय का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी आपको यह पहचानना विशिष्ट विषय का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो क्लास नंबर हमेशा विशिष्ट विषय का प्रतिनिधित्व करेगा, तो वो आपका क्लास नंबर होगा। तो किसी प्रलेख के क्रमांक संख्या का वह भाग जो विशिष्ट विषय का प्रतिनिधित्व करता है, वो होता है हमारा
क्लास नंबर या वर्गांक। दूसरी परिभाषा है आपकी ग्रंथांगी। ग्रंथांग का निर्माण क्यों किया गया? जो रंगनाथन के द्वारा बुक नंबर का फॉर्मूला दिया गया है वो इसी के लिए, तो ग्रंथांग। तो ग्रंथांग का फॉर्मूला क्यों दिया गया? बुक नंबर का फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद में बुक नंबर का वीडियो अपलोड करूंगा वो ही पढ़ेंगे। ग्रंथांग की अगर हम बात करें, ग्रंथांग या बुक नंबर क्या होता है? तो ग्रंथांग या बुक नंबर क्या है कि हमारी लाइब्रेरी में क्या है कि एक ही विषय की पुस्तकें, मतलब कि जो एक ही क्लास नंबर की पुस्तकों की संख्या अधिक हो जाती है, तो फिर उनको हम किस प्रकार उनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किस प्रकार उनको अलग करेंगे, उनके अंतर करेंगे, तो इसके लिए ग्रंथांग नंबर की व्यवस्था की गई। ठीक है, आपके जो ग्रंथांग नंबर है वो क्या है, यानी ग्रंथांग क्या है? तो पुस्तकालय में एक ही विषय की, ठीक है, पुस्तकालय में एक ही विषय की पुस्तकें एकत्रित हो जाती है जिनकी क्या है कि क्लास नंबर या वर्ग अंक संख्या बिल्कुल समान होती है, तो उन पुस्तकों को अलग करने के लिए ग्रंथांक या बुक नंबर की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब ग्रंथांक या बुक नंबर क्या है? तो किसी पुस्तक का ग्रंथांक एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, किसी पुस्तक का ग्रंथांक एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिसका प्रयोग उस विषय से संबंधित समान वर्गांक संख्या वाली पुस्तकों को या समान वर्ग संख्या वाली पुस्तकों को अन्य पुस्तकों से अलग करने के लिए ग्रंथांक या बुक नंबर का निर्माण किया गया, बुक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लो कि किसी पुस्तक का वह भाग, किसी पुस्तक का मतलब कि ग्रंथांक किसी पुस्तक का एक वह प्रतीक चिन्ह है जिसके द्वारा उस विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले, ठीक है, जिसका प्रयोग उस विषय का जिसकी क्लास नंबर समान है तथा अन्य विषयों से अलग करने के लिए ग्रंथांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रंथांक का प्रयोग किया जाता है यानी निर्धारित करने के लिए, यानी अन्य जिनकी क्लास नंबर संख्या समान है उन पुस्तकों को अन्य पुस्तकों से अलग करने के लिए, उनके मध्य स्थान निर्धारित करने के लिए ग्रंथांक या बुक नंबर का प्रयोग किया जाता है, बुक नंबर का आ जाता है। अब हम बात करें संग्रहांक, यानी संग्रहांक या कलेक्शन नंबर क्या है? तो संग्रहांक या कलेक्शन नंबर क्या है कि संग्रहांक और कलेक्शन नंबर क्या है कि मतलब कि जिनकी ग्रंथांक संख्या तो समान होती है परंतु ग्रंथांक के साथ साथ, ठीक है, ऐसे प्रलेखीय चिन्ह, हम ये कह सकते हैं ऐसी पुस्तकें या ऐसे प्रलेखीय चिन्ह जिनकी ग्रंथांक संख्या के साथ साथ, ग्रंथांक संख्या के साथ साथ वे क्या है, पुस्तकालय के विशिष्ट संग्रह को भी सूचित करते हैं, वो होते हैं हमारे संग्रहांक। यानी संग्रहांक एक ऐसा प्रतीक है जिसका प्रयोग पुस्तक के ग्रंथांक के साथ साथ पुस्तकालय के विशिष्ट संग्रह को सूचित किया जाता है, यानी पुस्तकालय के संग्रह को सूचित करता है विशिष्ट संग्रह को, तो वो होता है हमारा संग्रहांक। आपको एक बार दोबारा से परिभाषा बताता हूं कि संग्रहांक क्या है। संग्रहांक क्या है कि एक ऐसा प्रलेखीय चिन्ह है, एक ऐसा प्रलेखीय प्रतीक चिन्ह है जो क्या है, जिसका प्रयोग ग्रंथांक के साथ साथ पुस्तकालय के विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किया जाता है, होता है हमारा संग्रहांक। और वर्गांक, ग्रंथांक और संग्रहांक इन तीनों से मिलकर क्रमांक अंक का निर्माण किया जाता है, क्रमांक अंक बनता है। तो यह हमारा क्या एक छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बताया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बुक नंबर फॉर्मूला, ऐसा रंगनाथन का जो बुक नंबर का फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें आज हमने ये वीडियो इसलिए बनाया छोटा वाला, मतलब ये वीडियो इस कॉल नंबर को इसलिए बनाया क्योंकि बुक नंबर अगर डायरेक्ट समझा था आपके समझ में नहीं आता, पर मैंने इसीलिए बनाया कि पहले कॉल नंबर आपको समझ में आए फिर उसके बाद बुक नंबर पढ़ेंगे। और उसके अलावा आपके क्या है कि जो कोल्ड, ये जो आपकी जो प्रैक्टिकल की सेकंड यूनिट है इसके ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने काफी वीडियो देखे हैं, उनमें क्या हो रहा है कि ये बताया गया कि कोलन क्लासिफिकेशन की जो मेन क्लास है उनमें भी जो नंबर दिए वो नंबर भी लिखवा रहे हैं, क्लासिफिकेशन का नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी का नंबर क्या है, पता नहीं कौन कौन से नंबर, तो आपको इतने डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपके तो राजस्थान थर्ड ग्रेड में कोल्ड नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन था उसका, तो आपके बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोल्ड नंबर था उसका हिंदी में आंसर और इंग्लिश में बुक नंबर था, तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो है उन वीडियो को, नई वीडियो जो बनाई जाएंगे, नई इन्फॉर्मेशन, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
तो आज हमारा जो वीडियो था वो टॉपिक वो कंप्लीट हुआ कॉल नंबर का।